नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5. क्वेश्चन नंबर 3. द गिवन नंबर्स आर 3/5 एंड 4/5. अब हमने क्या कहा था कि जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी. सो 5 + 1 = 6. 6 × 3 = 18. 6 × 5 = 30. इसको भी इसी से 6 × 4 = 24. 6 × 5 = 30. 18/30 एंड 24/30. इसके इन बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स चाहिए हमें. 19, 20, 21, 22, 23/30. क्या 5 रेशनल नंबर्स मिल गए हमें? 1, 2, 3, 4, 5. 5 रेशनल नंबर्स. 18/30 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3/5. और 24/30 की जगह पे नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 4/5. So 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21, 22, 23/30. तो हमें 5 rational numbers मिल गए. मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है कि हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अगर मुझे अब इसके बिटवीन 7 rational numbers कहे होते. सपोज मुझे 7 rational numbers फाइंड करने हैं, तो 7 × 3 = 21. 7 × 5 = 35. 7 × 4 = 28. 7 × 5 = 35. So 21 और 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. 42 और 56 में आपको 7 रैशनल नंबर्स इजिली मिल जाएंगे. तो ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसमें आपको जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा है उतने नंबर्स आप नहीं फाइंड कर पाओ. तो आपने जो फर्स्ट स्टेप में ये किया है उसके बाद आप क्या करोगे? आपको 7 का है तो आपने 8 से मल्टीप्लाई करना था. अगर मुझे 6 कहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो. अगर 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा है लेकिन आप किसी को मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड कर पा रहे, तो एक बार जो मल्टीप्लाई करके आया यहां तक ये और ये आ गया. अब आप इसी नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो. जैसे 2 से कर दिया मैंने दोनों, लेकिन अगर यहाँ पे 2 से किया है तो इस केस में भी 2 से ही करना है. ये नहीं कि आप एक केस में 2 से कर दो दूसरे में 3 से तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा. डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए. तो आपको जितने भी रैशनल नंबर, यहाँ पे मैंने 6 रैशनल नंबर्स के लिए किया था 6 + 1 = 7, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके इन बिटवीन तो 6 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं. लेकिन अगर मुझे ज्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो मैं इन नंबर्स को किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नंबर्स फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है, तो अभी हमें कितने फाइंड करने के लिए कहा था? 5 रेशनल नंबर्स. सो 5 + 1 = 6. सो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, 18/30 और 24/30 में 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. नाउ फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर कौन से है हमारे पास? 1, 2, 3, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. अब उसने कहा कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है. होल नंबर में कौन से है? 0, 1, 2, 3, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है. यस, दिस इज ट्रू. क्यों? रीजन दे सकते हो. द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल
नंबर कि जो होल नंबर है उसमें कलेक्शन में नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे. तो रीजन दे सकते हो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स. तो होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब मैंने नेचुरल नंबर लिख दिए, होल नंबर लिख दिए, इंटीजर. इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. एवरी इंटीजर इज होल नंबर. क्या इंटीजर के सारे नंबर होल नंबर में इंक्लूडेड है? नो. जीरो से लेके इनफाइनाइट ये तो है, लेकिन इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. आप रीजन दे सकते हो -2 is an integer but not a whole number. Clear? Now the next is every rational number is whole number. Rational number क्या होता है? कोई भी number जिसे हम p upon q की form में लिख सकते हैं और q is not equals to zero, p and q are integers. मान लीजिए हमने ले लिया number 1/2. अब 1/2 एक rational number तो है, क्या ये होल नंबर है? नो. होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर है बट वो p upon q की फॉर्म में नहीं है और ये इंटीजर्स भी है 1 and 2. यस. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. 1/2 इज रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर. क्लियर? दोबारा से बता रही हूँ एक बार हमने क्या किया इस क्वेश्चन में. सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा था फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 5 में हमने 1 ऐड किया. 5 + 1 = 6. तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करके हमने इन बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. नेचुरल नंबर 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर और होल नंबर इज 0, 1, 2, 3 सो ऑन. तो सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में है. यस, दिस इज ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं, 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. लेकिन इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं तो दिस इज फॉल्स. -2 इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है. एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर. रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसे हम p upon q की फॉर्म में लिख सके. q इज नॉट इक्वल्स टू 0. एग्जाम्पल लिए हमने 1/2. 1/2 एक रैशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है. होल नंबर में 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड. So this statement is also false.